सोमनाथ मंदिर परिसर में कृषक जागरूकता कार्यक्रम के दूसरे दिन भी जारी रहा। मेले में देश के प्रधानमंत्री का सीधा प्रसारण किया गया प्रस्तुत। अवैध असलहों और जाली नोट के साथ दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। विकास कार्यों की सीडीओ अनुज सिंह ने की समीक्षा। विकास कार्यों के लिए प्राप्त धन के लैप होने पर निर्धारित किया गया उत्तरदायित्व। छठवीं उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम प्रतियोगिता का हुआ समापन। पीएससी पूर्वी जोन बना विजेता, एडीजी ने किया पुरस्कृत। राजघाट थाना पर आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचे एसपी सिटी, लिया समस्याओं का संज्ञान। अलखनंदा महिला छात्रावास के वार्षिकोत्सव पर छात्रावास हुआ वाईफाई से लैस। इस अवसर पर छात्राओं ने की मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति। नगर निगम कार्यकारिणी की दूसरी बैठक शोक प्रस्ताव पारित करने के बाद हुई स्थगित। दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट का रखा गया मौन। शांति के लिए की गई प्रार्थना। संसद सदस्य का शपथ लेकर पहली बार गोरखपुर पहुंचे सांसद प्रवीण निषाद का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, जनता के विश्वास पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। नववर्ष के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा निकाली जाएगी दिव्य चेतना रैली। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल 19 मार्च को आएंगे गोरखपुर। नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। भारतीय नववर्ष के अवसर पर आयोजित हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवक और युवतियों ने मनमोहक नृत्य और संगीत से बांधा समा। 18 मार्च को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का जनपद में होगा आगमन। पिपराइच से रिंकू देवी, उर्वा से दुर्गावती और कैंपियरगंज से निर्मला चुनी गई प्रमुख। कलेक्ट्रेट सभागार में एआरओ ने दिए प्रमाण पत्र। और नासा के एस टैलेंट की टीम को 6 विकेटों से हराकर आतिफ क्रिकेट एकेडमी पहुंची टीडीएम चैलेंजर्स ट्रॉफी के फाइनल में।